हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय साइंस क्लासेस। आज हम मोल कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारी 11th क्लास की फर्स्ट यूनिट का टॉपिक रहेगा। 11th क्लास की फर्स्ट यूनिट का टॉपिक रहेगा। तो देखिए, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। मोल कंसेप्ट, तो देखिए मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन क्या होता है? जनरली एक बेसिक सी बात मैं कहूं तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या होता है? हमारा सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। और जनरली हम कह सकते हैं कि दो चीजों का मिक्सचर जो है उसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन कहेंगे, जिसमें एक पार्ट सॉल्यूट होता है और दूसरा पार्ट क्या होता है? सॉल्वेंट। तो डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो जो सॉल्यूशन है वो क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर। होमो मीन्स एक जैसा, होमो मीन्स एक जैसा, जिसकी जो कंसंट्रेशन है वो कैसी है? एक जैसी होती है, उसको क्या बोलेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस मीन्स ऐसे सब्सटेंस का मिक्सचर है जो केमिकली रिएक्ट नहीं करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। फिर एक मेन बात आती है सॉल्यूशन के लिए, अगर सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं, सिर्फ दो कंपोनेंट हैं, तो उसको हम कैसा सॉल्यूशन बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। उनको कैसा सॉल्यूशन कहा जाता है? बाइनरी सॉल्यूशन। जिसके अंदर सिर्फ क्या हो? दो ही कंपोनेंट हो, तो उसको क्या कहेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। अब बात आती है कि सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्यूट क्या होता है? जो घुलता है, जो डिसॉल्व होता है, वो क्या होता है? सॉल्यूट। और इसकी जो अमाउंट होगी वो हमेशा दूसरे कंपोनेंट से कम होगी। और सॉल्वेंट क्या होता है? जो सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करता है, या मैं बोल सकती हूँ जो दूसरे कंपोनेंट को अपने अंदर घोलता है, उसको क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट बोलेंगे। और इसकी अमाउंट सॉल्यूट से क्या होती है? हमेशा ज्यादा होती है। मैंने यहां लिखा भी, एक बार देख लो, कंपोनेंट विच इज लेस इन अमाउंट, जो क्या है? कम मात्रा में है, उसको क्या कहेंगे? सॉल्यूट कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? सॉल्यूट। और कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, जो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, उसको क्या कहेंगे? सॉल्वेंट कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? सॉल्वेंट कहेंगे। अब बात आती है कि अमाउंट कम है, ज्यादा है, तो बात किसकी हुई? कंसंट्रेशन की। कि अगर मैं नींबू पानी बनाने के लिए चीनी को पानी में घोलती हूं, तो कितनी चीनी कितने पानी में घोली वो क्या एक्सप्रेस करेगी? वो उसके कंसंट्रेशन को डिफाइन करेगी। तो अब हम जो पढ़ेंगे कि किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम कैसे बता सकते हैं, किन किन तरीकों में उसको डिफाइन कर सकते हैं, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। अभी हमने कुछ बेसिक सॉल्यूशन के बारे में जाना, अब हम क्या पढ़ेंगे कि किसी कंसंट्रेशन को कैसे मापा जाता है, कैसे डिफाइन किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आगे टॉपिक कंटिन्यू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सपोर्ट करें। तो स्टूडेंट्स, आगे हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो पहला जो मेथड है वो क्या है? मास परसेंट। फर्स्ट मेथड क्या है? मास परसेंट। क्या है? मास परसेंट मीन्स मास, मतलब जो हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट लिया है उसका यहां क्या कंसिडर हो रहा है? मास। तो मास परसेंट होता क्या है? द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन मीन्स उसकी वॉल्यूम कितनी है? 100 ग्राम। और कितना हमने उसके अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व किया है वो उसकी किसको बताएगा? मास परसेंट को बताएगा। किसको बताएगा? मास परसेंट। तो फॉर्मूला क्या होगा? मास परसेंट किसके इक्वल है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज की बात है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से उसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा क्या है? मास ऑफ परसेंट। तो इसी तरीके से हम वॉल्यूम परसेंट भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? वॉल्यूम परसेंट मीन्स वहां जो सॉल्यूट होगा
वो किसमें होगा, उसकी वॉल्यूम गिवन होगी और सॉल्यूशन भी हमारा किसमें होगा, वॉल्यूम में होगा, लीटर में होगा। तो हम वहां पर क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू में 100। तो इस तरीके से हम किसी भी सॉल्यूशन की मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड बात आती है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होती है भाई, ताकत। स्ट्रेंथ क्या होती है, ताकत। कोई सॉल्यूशन हमने बनाया है उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, वो कितना मतलब कि किसी दूसरे पे इफेक्टिव है, कितना इफेक्टिव है, वो उसकी क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी। तो हम स्ट्रेंथ को कैसे मेजर करते हैं, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, कि कितना सॉल्यूट हमने ग्राम्स में लिया है और कितने में प्रेजेंट है वो, 1 लीटर सॉल्यूशन, मेरे पास 1 लीटर सॉल्यूशन है, कितना सॉल्यूशन है, 1 लीटर, उसमें हमारे सॉल्यूट का वेट कितना है, कितने ग्राम प्रेजेंट है, वो उसकी क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने स्टार्च लिया है और स्टार्च मैंने कितना लिया है, 1 ग्राम, और उसको डिसॉल्व किया है 99 ग्राम ऑफ वॉटर, 99 ग्राम लीटर वॉटर के अंदर, तो जो सॉल्यूशन बना वो क्या बना, 100 लीटर बना, और उसमें क्या है, 1 ग्राम क्या है, स्टार्च, और 99 पार्ट किसका है, वॉटर का है। तो इस तरीके से हम उसकी क्या निकाल सकते हैं, स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। तो स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन में वॉल्यूम इन सॉल्यूशन इन लीटर, कि कितना मास है हमारे सॉल्यूट का और कितनी सॉल्यूशन की वॉल्यूम है, उससे हम उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, उससे हम उसको क्या कर देंगे, डिवाइड। ये तो सेकेंड मेथड था। थर्ड मेथड है मोलरिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। क्या है मोलरिटी, क्या है मोलरिटी, मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितने नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट है किसमें, 1 लीटर सॉल्यूशन में, वो हमारी क्या होगी, मोलरिटी होगी। क्या होगी, मोलरिटी। इसको हम किससे, कैपिटल एम से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, किससे लिखते हैं, कैपिटल एम से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, कैपिटल एम से। एक और खास बात है कि ये टेम्परेचर पर डिपेंड होती है, किस पर डिपेंड होती है, टेम्परेचर पर, किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर ये क्या करती है, डिपेंड करती है, और किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद चौथी टर्म है हमारी मोलेलिटी। क्या है मोलेलिटी, क्या है मोलेलिटी, मोलेलिटी क्या होती है, मोलेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सेम है यहां तक दोनों सेम है, मोलेलिटी भी सेम है, मोलेलिटी सेम है, कि कितने नंबर ऑफ मोल्स लिए हैं हमने सॉल्यूट के, लेकिन डिफरेंस क्या है, वहां वॉल्यूम है, वहां पर क्या है, वॉल्यूम लीटर में है, लेकिन यहां पर जो हमारा सॉल्यूशन है वो किसमें है, केजी में है, किसमें है, मास में है, ये डिफरेंस है दोनों में, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से। और इसका मोलेलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, मोलेलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ द सॉल्वेंट, कि हमने सॉल्वेंट का कितना मास लिया है उससे उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, किस पे डिपेंड नहीं करती, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। तो कई बार इन दोनों में डिफरेंस पूछ लिया जाता है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एम से, इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एम से, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, इसके अंदर सॉल्यूशन लीटर में है, इसके अंदर सॉल्वेंट केजी में है। तो ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंस हो गया मोलरिटी और मोलेलिटी में। तो स्टूडेंट्स ये कुछ वे हमने डिस्कस किए कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए। अभी कुछ पार्ट्स बाकी हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, और इसके साथ हम इनके कुछ न्यूमेरिकल को भी क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो आगे देखने के लिए अगली वीडियो को जरूर देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।